लक्ष्मी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिवराम सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। दिवाली में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन धुंध की मोटी चादर अभी से दिखाई देने लगी है। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली अभी से ही गैस चैम्बर बन गई है। बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण सुरक्षित सीमा से 20 गुना ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को सुबह शाम सांस लेने में परेशानी हो सकती है। समुद्र में अपनी पहली पेट्रोलिंग के बाद एटमी हथियार से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत स्वदेश लौट आया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरिहंत की टीम का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि आपका ये अभियान सुरक्षा और संरक्षा के लिए तपस्या है। अरिहंत का अर्थ है दुश्मनों को नष्ट करना। ये देश की सुरक्षा के लिए उपलब्धि है, एक बड़ा कदम है। बता दें, इंडियन आर्मी अब जमीन, समुद्र और हवा में एटमी हमले का जवाब देने की क्षमता से लैस हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने धनतेरस के मौके पर गारमेंट्स इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, जिसके चलते स्वामी रामदेव ने पतंजलि परिधान नाम से एक एक्सक्लूसिव शोरूम खोल दिया है। बता दें, ये शोरूम दिल्ली के पीतमपुरा में नेताजी सुभाष पैलेस के अग्रवाल साइबर प्लाजा में खोला गया है। पतंजलि के इस शोरूम में डेनिम से लेकर एथेनिक वियर तक सब कुछ मिलेगा। दिवाली पर शोरूम में ग्राहकों को 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। गुजरात के विधानसभा सचिवालय में बीते रविवार को एक तेंदुआ घुसाया, जिसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई। तेंदुओं को निकालने के लिए वन विभाग और पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया, जिसे बाहर निकालने में नाकामयाब रहे। फिलहाल सचिवालय को बंद कर दिया गया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्रियों का कार्यालय है। बता दें, ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जियोफोन 2 पहली बार ओपन सेल के तहत 5 नवंबर यानी आज से बेचा जा रहा है। ये सेल 12 नवंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि जियोफोन 2 की कीमत 2,999 रुपए है, जिसे कस्टमर्स को पूरे पैसे देकर खरीदना होगा। जियोफोन 1 के साथ कंपनी ने 0 रुपए इफेक्टिव प्राइस के साथ लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।